वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए तैयार है। वो गुजरात में 19 नवंबर से 3 दिनों में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात में अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फोकस करेंगे, क्योंकि वहां 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हो रहा है। और सत्तारूढ़ दल के सूत्रों ने कहा है कि पीएम 19 से 21 नवंबर के बीच गुजरात में रहेंगे और इस दौरान वो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। अभियान के प्रभारी नेता ने बताया है कि पीएम मोदी दोनों क्षेत्रों के लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर भी करेंगे। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस से सनसनी फैल गई है और अब इस मामले में राजनीति प्रक्रियाएं जो है वो भी सामने आने लग गई हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई नेता कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और इसी क्रम में आज उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। राउत ने कहा है कि इसे लव जिहाद कहें या कुछ और कहें, लेकिन लड़कियों तो हमारी मर रही हैं और कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। और बता दें आपको कि संजय राउत हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर निकले हैं और बताते चले कि दक्षिण दिल्ली के महरोली में आफताब अमीन पुनावाला ने आज से 5 महीने पहले अपनी महिला मित्र श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए थे और लड़की के पिता की शिकायत के बाद मामला का पता चला था। गुजरात चुनाव का रण काफी रोचक होता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और आप नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सूरत से हमारे उम्मीदवार कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। उन्हें आखिरी बार कल आरओ ऑफिसर में देखा गया था और सिसोदिया ने मीडिया के सामने कहा कि बीजेपी और आप उम्मीदवार का नामांकन खारिज करवाने की कोशिश कर रही है। उन्हें अभी अभी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लाया गया है। सिसोदिया ने बताया कि 500 से ज़्यादा पुलिस वाले ने कंचन जरीवाला को घेर रखा है और उन पर नामांकन वापस का दबाव बनाया जा रहा है और इस दौरान सिसोदिया ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कुछ हो रहा है वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है और इस बीच ही आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोपों को सिसोदिया ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि आप में टिकट नहीं बेचे जाते हैं और किसी ने टिकट के लिए पैसे दिए और पैसे भी लिए गए लेकिन टिकट नहीं बिका, इससे ही स्पष्ट है कि आप में टिकट नहीं बेचा जाता। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। उत्तराखंड प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित टीम ने ही मंगलोर के केवल कन्या पाठशाला में कानून प्रस्तावित बैठक आयोजित की गई और जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने पर लोगों से राय जानी गई है। प्रस्तावित बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बताया है कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों के विचारों को सुना जा रहा है और व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों से प्रदेश के हर व्यक्ति को संपर्श करेगी और इस कानून को लागू करने से पहले गठित टीम का जो निर्णय है और प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से संवाद कर उनकी राय जानी जाए।